हम बात करने वाले बेटा प्रॉब्लम की, मतलब इस मौसम के महीने में कटकटाते मशीन के जैसे दांत और टोपी हटा के देखिए तो बाल हो जाते हैं जैसे झाड़। इस मौसम के स्टार्टिंग में स्कूल में स्वेटर और ब्लेजर पहनने में डर लगता था कि कहीं हम वही जूते रहे जिनको सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। कम्फर्ट के लिए इंग्लिश टॉयलेट लगवाया था, लेकिन ठंड में आप उधर अपनी गाड़ रखेंगे और उसी गाड़ के छेद से आपकी आत्मा निकल जाएगी, इतना ठंडा होता है। और छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह से फोग निकाल के कहते भैया देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बेटा 4 साल रुक जाओ तुम जॉइंट भी फूकोगे। और सबसे मादरचोद तो वो होते जो ठंडा ठंडा हाथ काट के छुआ के पूछते देखो ठंडा है क्या, भोसड़ी के हाथ काट के गाड़ में फिट कर देंगे, इंसान और मुर्गे का संभोग लगोगे तो ना कभी गाय छुपाओगे ना गांड। अगर ठंडी में कुछ अच्छा होता ना तो वो शादियों का सीजन, वो अलग बात है दूसरों की मोहब्बत गैरों के पलंग पे नंगी होती है, लेकिन हमें तो अपने ट्रिपल सी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, चार चिल्ला चौमीन। पर शादी में भी आपको एक ऐसी दीदी दिख जाएंगी ना जो बैकलेस पहन के आती है, और उनसे अगर पूछोगे ना दीदी आपको ठंड नहीं लग रही क्या, कहेंगी नो कॉज आई एम हॉट। इन्फिनिटी स्क्वायर के इश्यू में मेकअप पोतने वाली शादी से जाते वक्त मीठा पान चुरा करके घर पे खाने वाली अपने आप को हॉट बोलते वक्त तुम्हें शर्म नहीं है? यहाँ ठंड के कारण गाड़ के साथ साथ फट रहा है और जो छुआ है आपको ठंडा तो उसको गई भग। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।